इधर से एक HF डिलक्स बाइक है, गाड़ी के अंदर क्या है ना बैटरी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसके चाबी स्विच को ऑन करें तो कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कस्टमर का कुछ इस तरीके से कहना है कि इस बैटरी को दूसरी बाइक में लगा के चलाया गया तो ये बैटरी अच्छे से काम कर रही है, बट इस बाइक के अंदर ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। जब सबसे पहले मल्टीमीटर को लिया गया, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट किया गया और जब इसकी चार्जिंग को देखा गया तो यहाँ पे चार्जिंग नहीं आ रही है। मीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके और प्लस माइनस लगा के आपको दिखाते चलेंगे इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। अभी लगाइएगा कितना वोल्टेज इसके अंदर है, यानी कि 10.80 के आसपास अभी इसके अंदर बैटरी के चार्जिंग है, लेकिन जैसे ही बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ तो 14.5 के आसपास बैटरी चार्जिंग जाना चाहिए। अब क्यों चार्जिंग नहीं आ रही है वो आपको बताते चलेंगे। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और मीटर के अंदर आपको चार्जिंग दिखाएंगे, फिर इसका क्या सलूशन रहेगा, RR यूनिट या फिर चार्जर में प्रॉब्लम रहेगी वो आपको प्रूफ के साथ दिखाते चलेंगे। बाइक को स्टार्ट किए हैं, मीटर के अंदर देखिएगा, चलिए बाइक को बंद करते हैं। क्या है बीबर्स, इसकी बैटरी के पास चार्जिंग नहीं आ रही है। अब होता क्या है, इसके लिए या तो RR यूनिट को चेंज किया जाए या फिर इसका दूसरा जुगाड़ ये रहेगा इसके ऊपर जो है कैपेसिटर को लगाया जाए, क्योंकि RR यूनिट के अंदर एक कैपेसिटर को लगाया गया है जो वोल्टेज को क्लियर करता है। कभी कभी इसके अंदर RR यूनिट के जो कैपेसिटर होता है वो काम छोड़ देता है किसी तरीके से शॉर्ट होने की वजह से। यहाँ कैपेसिटर की जगह अगर आप बैटरी पे लगा देंगे 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जबकि ये बार आपको कई बार मैंने बताया है यहाँ पे 4700 mAh का कैपेसिटर लिया गया है, प्लस वाले निशान की डंडी बड़ी रहती है और माइनस वाले पे साफ साफ माइनस का निशान बना रहता है। अब प्लस माइनस करके एक प्लस वाला इसके टर्मिनल पे, दूसरा यहाँ लगा के और बैटरी को चार्ज करके और मल्टीमीटर से फिर से वोल्टेज को लेते हैं क्या रीडिंग बढ़ती है नहीं। जब रीडिंग बढ़ेगी तो न्यूट्रल लाइट भी तेज जलेगी, गाड़ी का हेडलाइट भी काम करेगा, हॉर्न भी काम करेगा और सेल्फ भी काम करेगा। चलिए फटाफट इसको ऐड करते हैं और आपको दिखाते चलेंगे। इस पे कैपेसिटर को ऐड कर दिए हैं, सिर्फ अभी दिखाते चलेंगे, बाकी इसको अच्छे से टैपिंग करेंगे जब जब ये पूरी तरीके से काम करेगा। प्लस माइनस को अच्छे से देखिएगा, माइनस का निशान इसके साइड और प्लस वाला इसके बैटरी के टर्मिनल पे। बाइक स्टार्ट करेंगे, मल्टीमीटर को फिर से 20 वोल्ट पे लगा के रखेंगे और इसकी चार्जिंग को चेक करेंगे। व्यूअर्स, बाइक को स्टार्ट कर लिए, प्लस माइनस करके अच्छे से लगा के रखे हैं। मीटर के अंदर सबसे पहले चार्जिंग देखिएगा, 15 के आसपास पहुंची है, थोड़ा चार्जिंग ओवर है, लेकिन यहाँ पे 14.95 के आसपास, 14.5। आपको कई वीडियो में हमने बताया कि 14.5 चार्जिंग आना चाहिए, 15 तक जाने से प्रॉब्लम आती है। यहाँ देखिएगा, बाइक को 4 से 5 मिनट स्टार्ट करके रखेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट दिखाते चलेंगे बैटरी चार्ज होता है या नहीं। विवर से गाड़ी को 4 से 5 किलोमीटर चलाया गया है और इंजन काफी ज्यादा हीट भी हो चुका है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, न्यूट्रल लाइट काफी ज्यादा तेज जलने लगी है। बाइक को कर लेते हैं बंद, बाइक को बंद कर लिए हैं। सबसे पहले हॉर्न का उपयोग करेंगे तो हॉर्न अच्छे से काम कर रहा है, और अगर सेल्फ को लगा के देखा जाए तो हो सकता है कितनी देर में सेल्फ भी ले सकती है। तो यहाँ पे भी क्या देखा कि बाइक सेल्फ से भी स्टार्ट होने लगी है। सिर्फ इस वीडियो में आपको इतना बताना है कि ये कैपेसिटर जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसका कैपेसिटर इसके RR यूनिट चार्जर के अंदर होता है, लेकिन किसी तरीके से खराब होने से या फिर इसकी रेंज कम होने की वजह से बैटरी को क्लियर करंट ना देने की वजह से इसके कैपेसिटर को अगर यहाँ लगाएंगे तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ सीखने लायक मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर दिन एक बेहतर अपलोड करते रहते हैं।